क्या आप एक टीचर हो? हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ। क्या आप एक टीचर हो? आपको अपना खुद का ऑनलाइन सेटअप क्रिएट करना है रिलेटेड टू टीचिंग, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द टीच मीट यूट्यूब चैनल। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। ऑनलाइन टीचिंग सेटअप क्रिएट करते टाइम हमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा एसेसरीज मार्केट में अवेलेबल हैं, गूगल पर, अमेजोन पर, आप बिल्कुल भावनाओं में बह जाओगे, राइट? सो बिल्कुल ही बेसिक तरीके से हम स्टार्ट करेंगे और मैं मिनिमम रियलिस्टिक कॉस्ट में आपको कोशिश करता हूं बताने की आपको क्या क्या चीजें अरेंज करनी है एट द वेरी बिगिनिंग। ऑलराइट, सो चलते हैं स्टेप नंबर वन की तरफ। स्टेप वन इज माइक। माइक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट? अगर आपकी वॉइस ही क्लियर नहीं है, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पर क्रिएट हो जाएगा, आपका टीचिंग फेल हो जाएगा वहां पर, राइट? स्मार्ट बोर्ड की ऐसे जरूरत नहीं होती स्टार्टिंग में, आपको स्टार्टिंग में कोई हाई एंड सिस्टम्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक अच्छा माइक आपके पास होना चाहिए, ठीक है? अब माइक होते हैं दो तरह के, एक होता है वायर वाला माइक और एक होता है वायरलेस माइक। वायर माइक में होता है उसका नाम है बोया। बोया का माइक है लगभग 800 रुपीस का। ऑलमोस्ट 99% यूट्यूबर्स ने उसी माइक से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है? हमने भी 2.5 इयर्स लगभग वही माइक यूज किया था, उसके बाद हम आ गए पर्टिकुलरली इस माइक पर, ठीक है? इसका नाम है रोड। ये रोड का वायरलेस माइक होगा। ये 18,000 का माइक है और लगभग इस टाइम शायद 19,500 का हो रहा है। पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो हमने भी पर्सनली देखा है जिसका प्राइस इंक्रीज हुआ है, इसका इतना डिमांड हुआ, राइट? लेकिन आपको इनिशियली 800 रुपीस का माइक, जो आप अभी देख रहे हो ना स्क्रीन पर, ये वाला ही परचेज करने की जरूरत है। बाकी एज सच आपको कुछ भी परचेज नहीं करना है। बहुत ही लंबी उसकी लाइन होती है, मतलब एक रूम के दूसरे कोने से आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। एक उसमें 3.5 mm का जैक होगा इस पर्टिकुलर माइक में। आपको अपने मोबाइल से अटैच करना है या फिर अपने कैमरे से अटैच करना है, ट्राईपॉड पर अपने कैमरे को फिट करना है और वो माइक आप अपना पर्टिकुलरली शर्ट पर या फिर एज द केस में भी सूट साड़ी पर लगाएंगे और उसके बाद आप आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी उसकी आएगी और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, माइक लेना है, राइट? आपको एडिटिंग जब आप आगे ऐप में करोगे या फिर बेसिक अपने मोबाइल में करोगे ना, तब आपको फर्क पता चलेगा कि विदाउट माइक और विद माइक में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो माइक लेना है, आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा 800 रुपीस का माइक। स्टेप नंबर टू, लाइटिंग। मैं आपको सबसे पहले अपनी लाइट सिखाता हूँ। ये पर्टिकुलरली हमारा लाइट है, ठीक है? फर्स्ट अप्रैल 2018 को मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला था यूट्यूब पर। सो उस दिन हमने ये जुगाड़ के साथ, ये दिल्ली में आपको पता है बहुत सारे मार्केट हैं, तो ये 35 या 40 वॉट का शायद ये छोटा सा हमें LED टाइप मिला था और इलेक्ट्रिशियन से हमने जुगाड़ के थ्रू ये बनाया था, ये हीटिंग पैड वगैरह के साथ, ठीक है? ये मैंने अपने राइट में लगा दिया था और लेफ्ट में लगा दिया था और ये दोनों लाइट्स फोकस करती थी सिर्फ मेरे फेस पर, ठीक है जी? तो इस पर्टिकुलर तरीके से हमने लाइटिंग की स्टार्ट की थी। लेकिन अगर आपको अब लाइट्स यूज़ करनी है तो कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो? लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, यहाँ पर लाइट्स यूज़ होंगी, सामने यूज़ नहीं होंगी। अगर लाइट सामने यूज़ हो रही है ना, तो वो सीधी वाइट बोर्ड पर आएगी, चौंध पड़ेगी उसकी वाइट बोर्ड पर और जो भी आप लिखोगे ना वो कैमरे में नहीं दिखेगा। गुड टू गो, समझ आया? अगर हम सामने लाइट लगाएंगे तो वो सीधा व्हाइट बोर्ड पर आता है, तो उसको बिल्कुल भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, बॉटम में और टॉप में कितनी भी लाइट लगा सकते हो, सामने नहीं लगाना है। अब लाइट लगानी कौन सी है, तो मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप की लाइट्स बताता हूँ। नंबर वन है सॉफ्ट बॉक्स लाइट। ये लाइट्स पर्टिकुलरली अब हम यूज़ करते हैं, ठीक है? ये अगेन इन्वेस्टमेंट हल्का साइज में 7,000 to 8,000 रुपीज़ का होता है, अभी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डिफरेंट टाइप की लाइट्स बताता हूँ, हमें पता होना चाहिए। सेकंड इज हैलोजन लाइट। ये हीट बहुत ज़्यादा करती हैं और इनका ना कोई स्टैंड नहीं होता, मतलब आप इनको ऐसे करके रखोगे ऐसे बह जाती है, राइट? तो हैलोजन लाइट्स में भी प्रॉब्लम होगी। थर्ड इज LED या फिर इनको कुछ लोग फ्लड लाइट भी कहते हैं, मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं बहुत सारे। आप जितना अंदर तक जाओगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा। अभी सिर्फ इतना समझना है, आपको दो लाइट्स अपने लेफ्ट और राइट में चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हो, वो जो ट्यूबलाइट आती है ना, जो ट्यूबलाइट आप ऐसे यूज करते हो अपने रूम में, उसको ऐसे करना है बस, ठीक है? वो आप दो ट्यूबलाइट बिल्कुल कॉम्बिनेशन में बना के एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड लगा सकते हैं और कुछ ऐसा जुगाड़ करके अपने आसपास से कि वो स्टैंड पे बन जाए, ठीक है? मतलब ये सारा का सारा आपका जो एक्सपेंस है वो 700 to 800 रुपीज़ का होगा। वो जो दो फोर ट्यूबलाइट्स हैं स्टार्टिंग में, अगर आपको लगता है कि रूम में ऑलरेडी बहुत कुछ लाइटिंग है तो आप दो ट्यूबलाइट यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फोर ट्यूबलाइट आपको यूज़ करनी है और एक हल्का सा उसका स्टैंड बनवा देना है बस, कैसे भी जुगाड़ से, जिससे वो एकदम प्रॉपर आपके फेस पे आए, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो लाइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बहुत ज़्यादा सेटअप करना पड़ता है रिफ्लेक्शंस के साथ, राइट? कि अगर आप व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी परछाई भी आती है, शेडो भी आती है, तो वो शेडो रिमूव करने के लिए हम नीचे लाइट लगाते हैं, वो नीचे लाइट से वो शेडो रिमूव हो जाती है,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी डिफरेंट सॉफ्ट बॉक्स वाली लाइट में, डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन वगैरह लाइट में, सेटअप ज़्यादा है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको दो ट्यूबलाइट परचेज करनी है, उनका एक छोटा सा स्टैंड बनाना है और उनको आपके फेस पे फोकस करवाना है, दैट्स इट। सो नंबर वन हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, माइक का। नंबर टू हो गया हमारी ट्यूबलाइट्स का। स्टेप नंबर थ्री, कैमरा। कैमरा अगेन आप गूगल और यूट्यूब और अमेजोन और फ्लिपकार्ट कहीं पर भी जाओगे ना, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैमरा आपको मिल जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कैमरे में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट करना ही नहीं है, किसी ने भी नहीं किया था, हमने भी नहीं किया था। लेकिन स्टार्टिंग में आपको मोबाइल एक बेसिक क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सैमसंग का मोबाइल है तो 15 मेगापिक्सल या उससे ज़्यादा का अगर कैमरा है तो मोर देन इनफ है। अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन अगेन आप 6s के बाद का कोई भी वेरिएंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 6s, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी आएगा, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। हम पर्टिकुलरली अभी इससे ही करते हैं, आप जितना भी और वीडियोस देखते हो ना उसमें हम इससे ही रिकॉर्डिंग करते हैं, 12 प्रो मैक्स से। बाकी कुछ वीडियोस हम कैमरे से अपने करते हैं, कैमरा हमारा 750T। लेकिन अगेन स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है, आप बाद में अपना कैमरा परचेज कर सकते हो आफ्टर 1 और 1.5 ईयर अगर आपको लगा तो। नहीं तो अगर 15 मेगापिक्सल का कैमरा है मोर देन इनफ है। हाँ, ओप्पो वीवो अगर आपका फ़ोन है तो उसकी सेटिंग आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि ओप्पो वीवो का जो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी सेटिंग है ना उसमें थोड़ा हम वाइट आते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे हम सफ़ेद फ़ोटो आती है, राइट। मतलब आप ओप्पो वाले इंसान की फ़ोटो अगर नॉर्मली देखोगे ना डर जाओगे कि भाई ये वही इंसान है जिसकी फ़ोटो थी, राइट। सो ओप्पो वीवो में आपको थोड़ी सेटिंग करनी पड़ सकती है, नहीं तो सैमसंग में अबव 15 मेगापिक्सल गुड टू गो एंड एप्पल में 6s अबव गुड टू गो। कैमरे में इन्वेस्टमेंट अभी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर फोर, ट्राईपॉड। ट्राईपॉड पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके डिफरेंट डिफरेंट ट्राईपॉड चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपको अपने कैमरा को स्टेबल करना है तो ट्राईपॉड तो लेना पड़ेगा। पॉइंट सबसे बड़ा क्या है, जब आप ट्राईपॉड को रखते हो ना तो वो स्टेबिलिटी नहीं आती है, उसका जुगाड़ सबसे बड़ा क्या हो सकता है, आपको एक गमला लेना है, गमला वास नहीं, वास वेस जो भी आप उसे कहते हो वो नहीं, गमला। गमले के अंदर ऐसे वो जो सेल्फी स्टिक होती है उसको ऐसे करके वहाँ पे आराम से मिट्टी से दबा देना और उसके बाद अपना मोबाइल उसमें लगाना। ऐसा फर्स्ट क्लास स्टेबिलिटी आती है ना, इंच बाय इंच भी कुछ नहीं होता है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से आप कैमरे में देख सकते हो, ठीक है। और कैमरे में देखते हुए अगेन दो चीज़ें याद रखनी है, अगर आप मोबाइल में देख रहे हो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये अगर यहाँ ऐसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, इसकी तरफ देखना है, ठीक है। स्क्रीन में अगर हम फर्स्ट मतलब कैमरे से फ्रंट फेस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कैमरे की तरफ देखना है, यहाँ पर नहीं देखना है, यहाँ पर तो आपको अपना फेस दिखेगा, नहीं हमें अपना फेस नहीं दिखना है, हमें लोगों को अपना फेस दिखाना है। तो यहाँ पर आप जितना कैमरे की तरफ फोकस करोगे ना उतना ज़्यादा बेटर ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन ट्राईपॉड आप गमला यूज़ कर सकते हो, उसमें मिट्टी होती है ही ऑलरेडी, अपनी सेल्फी स्टिक 200 या 250 रुपीज़ की मैक्सिमम सेल्फी स्टिक आती है, उसमें आप आराम से उसको मिट्टी के साथ थोड़ा थोड़ा उसमें लगा दीजिए और उसके बाद अपना मोबाइल या फिर स्लैश कैमरा कुछ भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी। हाँ, अगर आपको प्रोफेशनल ट्राईपॉड स्टैंड लेना है तो वो आपको 5 to 6,000 रुपीज़ का आता है एक, अगर आप कैमरे के लिए खरीद रहे हो, ठीक है। और ये अगर आपको करना चाहे आप कर सकते हो, नहीं तो गमला वाला जो फंक्शन है ना वो हमने भी यूज़ किया है तो उसको आप यूज़ कर लेना, दैट इज़ पॉइंट नंबर फोर। स्टेप नंबर फाइव, बोर्ड सेटअप। बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो हर एक की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये ना प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट्स में वेरी करता है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको सिर्फ कीवर्ड्स या मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जैसे मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इसमें तो सारा काम ही बोर्ड का होता है, ठीक है। तो बोर्ड का आपका जो बेस है ना वो सॉलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे अभी मैं आपको एक स्टैंड दिखाता हूँ ये है वो स्टैंड, ठीक है, ये हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे एक दिन में व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ 20 to 25 minutes लिखना होता है तो मेरे लिए ये काम कर जाता है, आपके लिए नहीं करेगा अगर आपको 3 to 4 hours का सेशन लेना है। तो आपको एक बेस स्ट्रांग चाहिए, आप सबसे बढ़िया आप वॉल पे ही लगाओ, एस हुक आता है, एक एस हुक आपको अमेजोन वगैरह पर मिल जाएगा, एस हुक आप परचेज कर लीजिए, उसमें ड्रिल करके अपने वॉल में आप व्हाइट बोर्ड को अपने हैंग कर सकते हो। और एक रास की बात बताऊँ, अगर ये भी नहीं करना है ना और आपको वो ओल्ड स्कूल जाना है, चौक वगैरह से लिखना है, थोड़ा सा इसे कहते हैं ना टीचिंग का जो असली मज़ा है वो चौक से लिखने में, तो आपको जो वॉल है उस पर आप ब्लैक पेंट करा लीजिए, बस आगे तो आप समझ ही गए हो, वो आपका पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड बन गया, वहाँ पर आप चौक से अच्छे से लिख कर, और फिर तो आपकी पूरी की पूरी वॉल है, कोई टेंशन ही नहीं, आपको आराम से आप उस वॉल पर कहीं पे भी लिख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको व्हाइट बोर्ड यूज़ करना है फिर तो आपको अलग से व्हाइट बोर्ड परचेज करना पड़ेगा, और प्लीज़ अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करें। अगर थ्योरी है तो आप छोटा व्हाइट बोर्ड यूज़ कीजिए, बड़ा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फिर तो आपके पास ऑलरेडी एक बड़ा वाला व्हाइट बोर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एस हुक का यूज़ करके आप उसको वॉल पर यूज़ करना, अलग से कोई स्टैंड वगैरह हो जाता ना जो
पेंटर स्टैंड वगैरह होते हैं वो आपको बिल्कुल भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाइट बोर्ड के लिए आपको क्या परचेस करना है, एस हुक। स्टेप नंबर 6, साउंड पैनल। साउंड पैनल किस लिए यूज होता है, अगर ये आपका कैमरा है और आप यहाँ पर माइक से बोल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से आपकी वॉइस गई, 40% वॉइस तो आपकी कैमरे में यहाँ पर चली गई, लेकिन 60% पीछे वॉल थी, वहाँ से टकरा के वापस कैमरे पर आ गई, तो यहाँ से भी वॉइस गई, वहाँ से भी वॉइस वापस आ गई, कैमरे में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, वॉइस का कन्फ्यूजन हो जाता है, वॉइस ईको होने लगती है, ठीक है। अब अगर आपके पास साउंड पैनल है तो क्या होगा, तो यहाँ पर कैमरा है, यहाँ से आपने बोला, 40% वॉइस इसमें आ गई, जो 60% बैक गई ना पीछे, वो साउंड पैनल पर जाकर डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो वापस नहीं आई, तो जो कैमरे के पास गई वो वन साइडेड साउंड गई और उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अब जो साउंड पैनल है वो बनेगा कैसे, साउंड पैनल अगर आप परचेज करने जाओगे 3,000 to 4,000 का आता है और वो एक छोटे से एरिया में ही लगेगा, यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पूरे रूम को कवर करना है 45,000 to 50,000 का एक्सपेंस है, लेकिन हम चल किस चीज से रहे, हम चल रहे हैं जुगाड़ से, तो ये होती है एग ट्रे, ठीक है जी, ये एग ट्रे आपको अपने पूरे रूम में लगानी है। हाँ, थोड़ा सा आपको वो रूम रखना पड़ेगा जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, ठीक है, वो आपका रूम ही होगा रिकॉर्डिंग वाला, उसी में आप ये चीज़ कर सकते हो, ये एग ट्रे लगानी। और किसने कहा ये ऐसे ग्रे कलर की लगाना, बिंदास इस पर ड्राइंग वगैरह करके बनाना, ठीक है, येलो, ऑरेंज, पर्पल, जो भी आपका फेवरेट कलर है, और इसको अच्छे से ड्राइंग करके आप पूरे रूम में लगा दीजिए, ठीक है, ये आपको फ्री में भी मिल जाएंगी। आप इसको जैसे यूज़ करोगे, ये भी साउंड पैनल का बहुत अच्छा वर्क करती है। नहीं तो आप वो जो गद्दे होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा रूम आपके घर में गद्दे हैं, तो आप उसको भी लगा सकते हो, जहाँ पर भी वॉल है वहाँ पर गद्दे को रख दीजिए, उससे भी काफी हद तक ठीक हो जाएगा। तो अगर टेम्पररी करना है तो आप गद्दे को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर परमानेंट करना है फिर तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, ये आपको डबल साइड टेप से अपनी सारी वॉल पर पेस्ट करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा घर वाले टेंशन में आ जाएंगे कि क्या दीवार के साथ कर रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, तो वो दिल पे मत लेना, ठीक है। सो साउंड पैनल आप ये चीज यूज कर सकते हैं, इको नहीं होगी वॉइस, और ये बहुत ही बेसिक एक्सपेंस है, 200 rupees मैक्सिमम, आप सब कुछ मिला के डबल साइड टेप वगैरह मिला के आपका इसमें इन्वेस्टमेंट होगा और आपकी वॉइस क्वालिटी माइक से और साउंड पैनल से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। स्टेप नंबर 7, रिकॉर्डिंग रूम। देखो ये तो आप सोसाइटी में रहते होंगे या फिर आप किसी कॉलोनी या फिर मोहल्ले में रहते होंगे। कॉलोनी और मोहल्ले के केस में ना शाम को 5 बजे या फिर 4 बजे भी एक ऐसा माहौल बन जाता है कि भाई बच्चे रोड पर आ गए, सब खेल रहे हैं, पड़ोसी आपस में बात कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहाँ पर आपको जो अपना रिकॉर्डिंग रूम रखना है ना उसको बिल्कुल लास्ट में रखना है। तो जो वॉइस है उसको ट्रैवल करके आना पड़ेगा बाहर से, उतनी ज़्यादा न्यूसेंस आपकी क्लास में कम होगी। सोसाइटी के केस में तो कोई अपने पड़ोसी से ही बात नहीं करता, तो यहाँ पर आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी में अगर आप रहते हो, फ्लैट में रहते हो, वहाँ पर आप कोई भी रूम यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप एसी यूज़ करोगे, राइट, अगर आपको लगता है भाई मैं अप्रैल, मई, जून में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे एसी की रिक्वायरमेंट है, और आप एसी यूज़ करोगे, देन आपको स्प्लिट एसी यूज़ करना है। मैं आपको विंडो एसी में प्रॉब्लम बताता हूँ क्या आती है, वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा करता है, तो आपके कैमरा कहीं बार कैप्चर उसको कर लेता है, कहीं बार होता है, जैसे मैं भी शांत हूँ, तो ऐसे में अगर आप शांत होते हो या फिर आप पानी पीते हो तो वो जो एसी की वॉइस है वो आपका माइक कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो आपको स्प्लिट एसी कोशिश करें प्लीज यूज करने की, तो वहां से आपको ज्यादा नॉइस नहीं आएगी। दिस इज पॉइंट नंबर 7। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज पॉइंट नंबर 8, मार्कर्स, ब्लू, ब्लैक, रेड। बस ये 3 मार्कर ही आपको यूज़ करने हैं। जो ग्रीन कलर का मार्कर होता है या फिर और भी अगर आप कोई कलर यूज़ करते हो ना, तो वो कैमरे में अच्छे से नहीं आता, मतलब वो कैमरा उसको अच्छे से कैप्चर नहीं करता। ग्रीन कलर कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो अगर आप मार्कर्स यूज़ करते हैं तो ब्लैक से आपको क्वेश्चन लिखना है, ब्लू से आपको आंसर लिखना है, और रेड से आपको कीवर्ड्स या अंडरलाइन वगैरह करनी है। यही मार्कर्स आपको यूज़ करने हैं, बाकी कोशिश करें आप और मार्कर्स यूज़ ना करने की, राइट। सो दिस इज इट, आई होप आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर हम सम अप करें तो 700-800 rupees का आपका माइक आएगा, 200 rupees की आपकी सेल्फी स्टिक आएगी, बाकी सारा एक्सपेंस अगर आप मिलाओगे 1,000 rupees का होगा, ठीक है। और आप उसमें एक्स्ट्रा कितना भी कर लीजिए, लाइटिंग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन 3,000 के अंदर आपका सेटअप क्रिएट हो जाएगा। और ये बेसिक है, ये करना ही करना है, आपको लेना ही है ये चीजें, तभी आप एक कॉन्ग्लोमोरेट से, $1 billion कंपनी से मुकाबला कर सकते हो, राइट। लेकिन डिजिटल में आपका इतना ही इन्वेस्टमेंट जरूरी है, क्योंकि उनका भी यूट्यूब चैनल एक ही है और आपका भी YouTube चैनल एक ही होगा, ठीक है। तो डिजिटल में आपको 3000 और 4000 से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड आपको कंटेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। कंटेंट तो आपको सब कुछ पता ही है, सो कंटेंट में जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 3000 या 4000 का इन्वेस्टमेंट तो बनता है, ओके। सो अगर आपका कोई डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप 99% डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर सेटअप से रिलेटेड पर्टिकुलर कोई डाउट है, आप उसको कमेंट्स में बताएं, हम डिटेल में उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। और हम मिलते हैं ना बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।